1971 के युद्ध में पूर्व पाकिस्तान यानी आज के बांग्लादेश के मोर्चे पर हुए बैटल ऑफ बोगरा और बैटल ऑफ बायरो को याद करना पड़ेगा। बैटल ऑफ बोगरा ही पूर्व पाकिस्तान में एकमात्र स्थान था कि जहां पाकिस्तानी सेना ने भारतीय सेना के सामने टक्कर ली थी। उत्तर बांग्लादेश के राजाशाही डिवीजन में बोगरा जिला और शहर आया हुआ है। बोगरा अभी औद्योगिक शहर और उत्तर बांग्लादेश का महत्व का केंद्र है। उसको उत्तर बांग्लादेश का प्रवेश द्वार भी कहते हैं। बोगरा की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि उससे उत्तर बांग्लादेश के उत्तरी और दक्षिणी क्षेत्र जुड़े हुए हैं। 1971 के युद्ध में बोगरा की लड़ाई 30 नवंबर को शुरू हुई थी। और 16 दिसंबर को पाकिस्तानी सेना के सरेंडर होने के बावजूद 18 दिसंबर तक चली थी। बोगरा की लड़ाई 1971 की सबसे रक्तरंजित लड़ाई में से एक थी। उसको बैटल ऑफ हेली का विस्तरण भी कहा जाता है। बोगरा के उत्तर पश्चिम में 60 किलोमीटर की दूरी पर सरहदी गांव हेली पर 23 नवंबर 1971 के दिन हमला किया गया था, जिसके कारण पाकिस्तान ने अंदाजा लगाया था कि भारतीय सेना बोगरा पर कब्जा जमाने के लिए आगे बढ़ेगी और इसी कारण उन्होंने अपनी डिफेंस पोजीशन मजबूत बनाई थी। भारतीय सैन्य के दलों का नेतृत्व मेजर जनरल लक्ष्मण सिंह कर रहे थे। बीस हजार सैनिक और भारतीय वायुसेना की संपूर्ण एयर सुपीरियरिटी के साथ कार्यवाही शुरू हुई थी। गणपति वांचीनाथ ने लिखा है कि बोगरा की लड़ाई पूर्व पाकिस्तानी सेना पर भारतीय सेना की सरसाई के बीच महत्व की सिद्धि थी। भारतीय सेना को बड़ा नुकसान भुगतना पड़ा था और युद्ध के अंत में भारतीय सेना ने एक फैक्ट फाइंडिंग मिशन भेजा था। इस मिशन ने अभ्यास किया था कि ब्रिगेडियर मलिक ने आर्मर और आर्टिलरी से सज्ज सुपीरियर फोर्स को किस तरह से रोक रखा था। 22 नवंबर 1971 के दिन बैटल ऑफ बोगरा में भारतीय वायुक्षेत्र में घुसे हुए पाकिस्तानी युद्ध विमानों को भारतीय सेना ने जवाबी कार्यवाही में तहस नहस कर दिया था। इस युद्ध में मेजर दलजीत सिंह नारंग ने अपना बलिदान दिया था।